वालेकुम भाइयों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे पार्ट 3 बूटस्ट्रैप का सर्विसेज सेक्शन। इससे पहली वीडियो में हमने करवाया था कैरासोल वाला जो सेक्शन है, और फिर उससे पहली वाली में मैंने करवाया था न्यू बार। तो ये हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। और ये प्रोजेक्ट आप लोगों को पता है कि हमने बूटस्ट्रैप के हवाले से मतलब कि शुरू किया हुआ है। तो जो भी हमारे पास इसके अंदर क्लासेस होंगी या इसके अलावा आईडीज होंगी, तो वो हम एज अ बूटस्ट्रैप के थ्रू यूज़ करेंगे सारा कुछ। और रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह सब इसको बूटस्ट्रैप के थ्रू सारा देंगे। तो आइए बढ़ते अपने टॉपिक की तरह बिना टाइम ज़ाया करते हुए। तो सबसे पहले मेरे पास ये वाला मेन फाइल है, जिसके ऊपर हमने काम ऑलरेडी किया हुआ है। दो सेक्शन हमने क्रिएट की थी, अभी हम सर्विसेज की सेक्शन में काम करेंगे। एडिटर कोई भी आप लोग इसके इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने वीएस कोड इसके लिए वो कर लिया है, रिकमेंडेड कर लिया है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रख लेता हूँ कंटेनर सबसे पहले। उसके बाद मैं कर लेता हूँ क्लास, इस क्लास के अंदर मैं रख लेता हूँ सर्विस। और इसके अलावा मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक हेडिंग के नाम से क्लास बना लेता हूँ, ताकि जो भी हमारे पास हेडिंग वगैरह रहे इसी के अंदर रहे। हेडिंग 2 में दे देता हूँ इसको, और सर्विसेज। इसके बाद मैं एक पैराग्राफ इसके नीचे बना लेता हूँ। पैराग्राफ आप अपनी मर्जी के मुताबिक, हेडिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक, सब कुछ आप अपनी मर्जी के मुताबिक देंगे, क्योंकि ये तो मैं आप लोगों को उसके लिए मतलब के डिस्कस कर रहा हूँ। जिस तरह के बूटस्ट्रैप में एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है A to Z, उसी पे हम काम कर रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कलर शलर इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। अक्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स और देर लेजी डॉग। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ अभी। और अभी मैं ये इसको कर लेता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ये देख लो हमारे पास ये आ गया है टेक्स्ट सेंटर, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा है टेक्स्ट हमारे पास, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये देख लो, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया अभी। तो मैं इसको टॉप से थोड़ा गैप दे देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि आप ले लो मर्जियाना, बल्कि टॉप और बॉटम से मैं दोनों से दे देता हूँ, ताकि ये सेम ही रहे। MOE का मतलब यही है कि मर्जियन टॉप मर्जियन बॉटम। तो ये दोनों तरफ से हो गया, बल्कि थोड़ा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, अभी ठीक रहेगा। तो इसके बाद मैं कर लेता हूँ, ये तो हमारे पास मेन जो वो होता है सेक्शन होता है, तो यही होता है। इसके बाद हम इसी के अंदर कर लेते हैं, हम कर लेंगे इसके अंदर कार्ड्स बनाएंगे। कार्ड्स के अंदर मुख्तलिफ मतलब के हम वो रख सकते हैं, फिर जो मतलब के हमारे को रिक्वायर्ड हो कार्ड्स में जो सर्विसेज है, तो अपनी मर्जी के मुताबिक आप लोग उसको वो भी दे सकते हैं। तो मैं इसको बड़ा सिंपल मतलब कि बड़ी इजी तरीके से आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। ये अभी मैं भी हटा देता हूँ, ताकि ये जरा ये अभी ठीक रहा। तो मैं इस सर्विस की अंदर मेन सर्विस जो हमारे पास है, तो इसी के अंदर मैं एक कर लेता हूँ ड्यू, इसका नाम मैं रख लेता हूँ रॉ। फिर रॉ के अंदर आप लोगों ने रखना है कॉलम MD फॉर, जिस तरह के मुझे 4 कॉलम
कार्ड्स चाहिए तो इसी के अंदर आप लोगों ने एक रख लेनी है, मेन मतलब कि जिसमें हम डेटा सारा रैप करेंगे। तो मैं इसी को कर लेता हूँ सेव। अभी सेव करने के बाद ऐसा कर लेते हैं कि आप लोगों को इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह कि मैंने ऑलरेडी एक इस फोल्डर में कुछ इमेजेस रखी हैं, तो आप लोग इमेजेस अपनी प्रोजेक्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको इसके अंदर एक इमेज लगा लेता हूँ। और अभी मैंने इसको इस इमेज को नाम इमेज का फोल्डर के अंदर हमारे पास ये वाला पिक्चर है तो मैं इसका क्लास दे देता हूँ इमेज फ्लूइड। तो अभी इसको कर लेते हैं सेव और इसको कर लेते हैं रन। तो ये देख लिया आप लोग, इमेज एक हमारे पास आ गया है। तो इसके अलावा मुझे चाहिए कि मैं इसका इसके अंदर एक वो कर लूँ, हेडिंग दे दूँ H3। इसका पहला मैं दे देता हूँ HTML कोर्स, और फिर इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ रख लेता हूँ, पैराग्राफ में वही वाला कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देख ले ये हमारे पास इस तरह आएगा। तो इसके बाद मैं इसका हेडिंग को मैं थोड़ा कर लेता हूँ, कलर दे देता हूँ MY2 कर लेता हूँ, ताकि इसके अंदर ऊपर नीचे से स्पेस थोड़ा रहे। अभी थोड़ा कम हो गया, अभी ज़्यादा कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। अभी चेक करके देखते हैं। तो ये हमारे पास इसकी स्पेस रहा तो ठीक हो गया। अभी इसके बाद मैं कर लेता हूँ एक काम कर लेता हूँ कि पैराग्राफ किसके अंदर है, सर्विस के अंदर पैराग्राफ को पकड़ती हुई मैं एक और काम कर लेता हूँ, बल्कि मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ जस्ट। तो मैंने एक क्लास डिफाइन कर लिया जिसका नाम मैंने रख दिया जस्ट, और मैं इसको कह देता हूँ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो मैं इसी को कर लेता हूँ, अभी इसके अंदर मैं ये वाला क्लास रख लेता हूँ जस्ट। ये ठीक रहा अभी। और अभी इसके बाद मैं कर लेता हूँ ना एक काम करते हैं, इसमें बियर मैंने लगा लिया तो ये इसको रिमूव कर लेते हैं। ये देख लें, तो ये पहला कार्ड रहा। और अभी मुझे इसके अंदर थोड़ा मर्जन चाहिए तो M1 दे दूंगा मैं। अभी हम इसको कर लेते हैं कॉपी सारी कार्ड्स को, यासी मैं इसको पकड़ लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ 3 मतलब मैंने पेस्ट कर लिया। तो ये अभी देखते हैं किस तरह आ जाता है। ये देख लें, ये हमारे पास ये कार्ड्स आ गए। और बल्कि मैं इस कर लेता हूँ, इसको मैं 2 करके देखता हूँ ताकि ये ज़रा ज़्यादा वो कुल के हों, क्या बेहतरीन नज़र आएगा। या इसके अलावा मैं एक काम भी और भी कर सकता हूँ, जिस तरह के पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ज़रा इजी रहे आप लोगों के लिए। ये देख लें, ये कार्ड्स आ गए इस तरह। अब इसको मैं थोड़ा और डिज़ाइन कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ इसको GY 5 चेक कर लेते हैं, बल्कि सिर्फ जी कर लेते हैं G5। तो इसके अंदर ऊपर नीचे सारों की तरफ से ये देख ले स्पेस आ गया।
आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कम भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं भी कर लेता हूँ। उससे वो वन कर दिया तो वन के हिसाब से वन वाला आ गया, तो फिर मैं कर लेता हूँ फोर वाला, ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा हो गया था वो, फाइव वाला देखते हैं, फाइव वाला भी ठीक है, ये ठीक है। तो मैं अभी इसका नाम वगैरह चेंज कर लेता हूँ, नाम वगैरह हो गई इसके अलावा, इसकी दूसरी चीज़ हमारे पास जो है इमेजेस वगैरह हो गई, सर को मैं भी चेंज करके दिखाता तो हूँ आप लोगों को। मैं कर लेता इसको टू, इसको मैं कर लेता हूँ थ्री। ये इमेज मैंने ऑलरेडी पहले से बना बनाई हुई है, तो मैं इसको कर लेता हूँ सी एस एस, और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ फोर, इसको मैं दे देता हूँ वर्ड प्रेस, और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ फाइव, इसको मैं दे देता हूँ लारावेल। अब चेक कर लेते हैं, सेव करके चेक कर लेते हैं, ये देख ले, इस तरह हमारे पास इसका डिज़ाइन बनेगा। तो अभी लास्ट वाला भी देखते हैं, इमेज मेरे पास और इमेज है भी या नहीं, नहीं है तो वही वाले भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक रहा, इसके बाद हमें कर लेता हूँ एचटीएमएल सीएसएस वगैरह, जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं आप लोग। ये कोर्स का नाम मैंने चेंज करके रख दिया, और अभी मेरे दो कार्ड्स एक्स्ट्रा हो गए, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बाकी आपको जितनी कार्ड चाहिए वो आप लोग यहाँ पे लगवा सकते हैं, ये देख ले। तो ये था आज का हमारा सर्विसेज सेक्शन, और ये इसमें मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ कि ये हमारे पास कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी होगा। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसके बाद में इसको ये देख ले, ये हमारे पास है, ये वाला साइज है। जब मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ, डिक्रीज कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ये देख लो डिक्रीज हो रहा है, ये 800 तक आ गया है। देख लो हमारे पास कोई इसमें इश्यूज नहीं आ रही है, ये देख लो 700 के करीब, 700 के वो हम जब भी आ जाते हैं तो मोबाइल स्क्रीन में ऑटोमेटिकली ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद में रखनी है कि ये बूटस्ट्रैप 5 का ये बड़ा फ़ायदा है कि हमारे पास जो भी साइट बनेगी तो वो कम्प्लीट हमारे पास रिस्पॉन्सिव बनेगी। ये है कि बस आप लोगों ने थोड़ी मेहनत करनी होगी।